हाय फ्रेंड्स, मैं अर्शी और आज आपके लिए लेकर आई हूं अनबॉक्सिंग वीडियो, जहां पर मैं अनबॉक्स करने वाली हूं दो पैंट्स जो कि मैंने खुद के यूज़ के लिए मंगवाए थे और मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करने वाली हूं एल्डा का फ्राइंग पैन। दोनों ही ब्रांड्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। पैकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसकी पैकिंग को देख कर। अभी आप अंदर भी देखोगे कि बहुत अच्छी पैकिंग है, कुछ टूटने के कोई चांस नहीं है। लुक वाइज तो ऑसम ही है, किचन में है, आपकी किचन की शान बढ़ा देगा ये पैन। और यहाँ पर आप दोबारा से पैकिंग देख सकते हो, बहुत सेफ पैकिंग है। तो यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें 2 साल की वारंटी मिलती है नॉनस्टिक कोटिंग पर। इसके अंदर जो कोटिंग है उसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। अब अगर अपन हैंडल की बात करो तो हैंडल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी ग्रिप मिलता है, गर्म भी नहीं होता है। साथ में लिड जो इसका मिल रहा है ढक्कन, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इस लिड से पैन में स्क्रैच ना लगे इसके लिए ये रिंग दिया गया है, तो इस रिंग को आप फेंकिएगा मत, इस पर उलट के ढक्कन को रखिएगा तो बेस में स्क्रैच नहीं आएंगे। और ये फ्राइंग पैन जो है वो 26 सेंटीमीटर का मैंने सेलेक्ट किया था। कैपेसिटी इसकी 2.5 लीटर की है, मतलब सफिशियंट है। और आप यहाँ पर देखोगे तो एल्डा ब्रांड का है, डाईकास्ट है ये पूरा पैन, साथ में इंडक्शन फ्रेंडली भी है, यानी नीचे जो बेस है वो स्टील का है तो इंडक्शन पे भी हो जाएगा। थिकनेस भी इसकी 1/2 इंच की है, यानी सफिशिएंट थिकनेस है। 3 लेयर नॉनस्टिक कोटिंग है इसके अंदर में विद सेरेमिक रिइंफोर्समेंट, बहुत अच्छी टाइप की कोटिंग है। PFOA फ्री है, यानी कि वो जो टॉक्सिन होते हैं जो गर्म होने पर खाना में घुल जाते हैं वो नहीं होगा इसके अंदर में। और ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। यहाँ पर मैंने बनाई थी सिवई, काफ़ी अच्छी सिवई बनी थी इसके अंदर में। बहुत इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, तो मुझे पर्सनली ये अच्छी लगी। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1912 आया था मुझे उस टाइम पर, जब काफ़ी सारा ऑफर चल रहा था। अभी मुझे नहीं पता कि क्या होगा, तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एल्डा सिर्फ फ्राइंग पैन नहीं बनाता, काफ़ी टाइप के बर्तन बनाता है, तो आपको जिसकी ज़रूरत है आप वो मंगवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट अनबॉक्स कर लेते हैं। कैरट ब्रांड की कढ़ाई मैंने मंगवाई थी जो कि मुझे 2119 रुपये का पड़ा था, तब जब ऑफ़र चल रहे थे, अभी का नहीं पता मुझे। 28 सेंटीमीटर की बेसिकली ये कढ़ाई थी। और आप इसकी भी पैकिंग देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग है, टूटने वूटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा यूज़ किया गया है रिंग का, जिसकी वजह से ये स्क्रैच से बच सकता है। जहाँ तक ढक्कन की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, फिट भी ये अच्छे से हो जाएगा। और आपको जो हैंडल इसका दिख रहा है वो देखने से वुडन टाइप का है, लेकिन ये वुडन नहीं है, बट गरम वरम नहीं होता है, सही है। और इस रिंग को आप फेंकना बिल्कुल मत, क्योंकि जब भी आप इस पैन को यूज़ कर लोगे तो यूज़ करने के बाद ढक्कन इस तरह से रख दोगे तो जगह भी सेव हो जाएगा आपका और स्क्रैच भी नहीं आएगा बॉटम में। यहाँ पर मैंने 28 सेंटीमीटर का ये कढ़ाई मंगवाया था। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ, आप कोई भी नॉनस्टिक बर्तन लो तो यूज़ एंड केयर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके नॉनस्टिक बर्तन लंबे समय तक चलें तो आपको यूज़ एंड केयर आना चाहिए। कैपेसिटी की अगर बात करें तो 3.8 लीटर की कैपेसिटी है और साइज़ काफ़ी अच्छा है, 5 से 6 लोगों का खाना इसमें आराम से बन जाएगा। लुक की तो बात ही मत करो, मैं तो फ्लैट हो गई थी इसको देखने के बाद से। यहाँ पर जो नॉनस्टिक कोटिंग है वो ग्रेनाइट की मिलती है, 5 थिक लेयर आपको मिलता है ग्रेनाइट कोटिंग का, जो कि शायद स्विट्जरलैंड में किया जाता है, इसमें मेंशन किया हुआ था, मैंने भी आपको बता दिया। और बेस जो है वो स्टील का है तो इंडक्शन पे आराम से रीड हो जाएगा, आप गैस स्टोव पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हेवी बॉटम है ये, मतलब पूरा ही काफ़ी हेवी है। इसका जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 इंच का है, जो कि सफिशियंट होता है। और आप लिड देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसके अंदर फिट हो गया है, बिरयानी वगैरह भी इसमें आप आराम से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको दोनों पैन कैसे लगे। आपको भी अगर लेना है तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे तो सेम उसी बर्तन पे जाओगे जो मैंने दिखाया है आपको इस वीडियो में, जिस साइज़ का दिखाया है, अदरवाइज़ उसमें काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल हैं, तो आप मे बी कन्फ्यूज़ हो जाओ। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।